Hello everyone, this is Ashijan. In this video, we are doing a new chapter of cost accounting, that is reconciliation. देखिए जो reconciliation chapter है ये काफ़ी easy है, काफ़ी छोटा भी है. But make sure अगर आपने अब तक cost sheet chapter नहीं पढ़ा, so first of all go through that chapter and then come to this chapter. Okay? So reconciliation, देखिए जैसे आपने 11th standard में आपने पढ़ा हुआ reconciliation, वहाँ पर हम देते थे बिटवीन दी लाइक हम डिफरेंस देते थे अमाउंट में जो बैलेंस आता था वो डिफरेंस आता था बिटवीन दी कैश बुक एंड दी पासबुक. सेम यहाँ पर है, यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं बिटवीन दी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यहाँ पर क्या है कि जो भी अमाउंट में जो कि डिफरेंसेस तो आएगा ही आएगा, हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेक और वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब हमें देखना है कि व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग. देखिए मेनली जो डिफरेंस रहता है दैट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अमाउंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द प्रॉफिट अमाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Main the main reason for disagreement for the profits figure shown by the two sets of the absence of certain items which appear in financial books only and are not recorded in cost accounting books. Similarly, there may be some items which appear in cost account but do not find a place in the financial books. Let's take an example, like what are the items that are recorded in cost account and in financial account. अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में देखेंगे तो देखिए कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं या कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से इनकम या एक्सपेंसेस है विच आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जैसे देखिए अगर हम इनकम की बात करें देखिए कौन कौन से जो इनकम है वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होती है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड यू नो वेरी वेल दिस आइटम इज ओनली कवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज बैंक डिपॉजिट्स this also covered in financial accounting but not in cost accounting. Next fee received on issue and transfer of shares fee कोई भी हो सकती है तो यहाँ पर आगे लिख देते हैं ETC ठीक है and that are not covered under cost accounting. Similarly, rental income, this also recorded in financial accounting but not in cost accounting. ठीक है, because आपको अच्छे से पता है कि जब हम financial accounting में आते हैं that we prepare in a broader manner. ठीक है, cost accounting में हम सबसे cost हम consider करते हैं, income तो consider करते ही नहीं है. income जो हम देखें मैंने कौन सा, आपको अच्छे से पता है that is sale of scrap and sale of waste, that's it. और कोई इनकम तो हम कंसिडर करते ही नहीं है. ठीक है, अब अगर हम एक्सपेंस की बात करें आपको अच्छे से पता है देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग हम जो कौन कौन सी कॉस्ट कंसिडर करते हैं दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके मेनली कौन कौन से, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. फर्स्ट वन इज फैक्ट्री ओवरहेड, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड देन सेलिंग ओवरहेड. तीन लेवल हम जी ओवरहेड रिकॉर्ड करते हैं, बाकी हम सबको इग्नोर करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है और बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या मॉर्गेज बैंक लोन
या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी लाइक इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, लाइक स्टैंप ड्यूटी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, एज वेल एज डिबेंचर्स, दीज आर ऑल रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और क्या हो सकते हैं, पेनल्टीज एंड फाइन्स. ओके, एंड दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. दैट्स वाई देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट अमाउंट इन बोथ अकाउंट्स. ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि मेजरली डिफरेंस क्यों आया. उसके लिए हम जो है प्रिपेयर करते हैं, दैट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सिंपल है और काफ़ी छोटा चैप्टर है. ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एक ही वीडियो लेक्चर में इसको फिनिश कर देते हैं, देखते हैं इसको. चलिए लेट्स टेक फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन. द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ए कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज 18,515, वाइल द प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट अकाउंट्स वर रुपीज 28,600. ऑन रिकनसिलिंग द फिगर द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड. डायरेक्टर फेस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, दैट इज 1,050, एंड यू नो वेरी वेल डायरेक्टर फेस नॉट रिकॉर्डेड नॉट नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. देन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, सेम, दिस ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. बैंक इंटरेस्ट इन क्रेडिट 90 रुपीज, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 8,300, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग. ये लिखा हुआ है ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें ज़्यादा लिखे हुए हैं, और जो भी हम खर्चे अगर हम ज़्यादा लिखते हैं दैट मीन्स इट विल रिड्यूस आर प्रॉफिट. तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट हमें एड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में. ठीक है, सो देखिए कैसे करना है इसको. फर्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, काफी सिंपल है इसका. तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग. सॉरी, बैलेंस नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए कितना है, कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग दैट इज 28,600. पॉजिटिव में है प्रॉफिट, लॉस आता तो माइनस में लिखते हैं, बट ये प्रॉफिट है इसको हमें प्लस में साइन लिखा. अब बस वन बाय वन हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो खर्चे हैं वहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं हुई तो हम माइनस करेंगे. ऐसे ही अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ऐसी इनकम वहाँ पर रिकॉर्ड हुई लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं की तो हम एडवे करेंगे. ठीक है, तो देखिए डायरेक्टर फीस, देखिए आपको बस देखना है कि कंपेयर करना है. देखिए डायरेक्टर फीस नो चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग. अब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर ये खर्चा अगर ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम ही होगा. ठीक है, तो अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा. ठीक है, तो डायरेक्टर फीस हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे इसको. हम देखें लेस डायरेक्टर फीस अमाउंट ऑफ रुपीज कहाँ लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, दैट इज 1,050. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन दिस विल बी लेस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंटिंग रुपीज 970. देन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, देखिए अभी इनकम है यानी कि जो इनकम ऐसी है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करा लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कर देगा, तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ेगा होगा.
तो अब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा। प्लस करेंगे यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अमाउंटिंग रुपीज 90। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अगेन ये खर्चा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करा, सो हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अमाउंटिंग रुपीज 8,300। नेक्स्ट ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि खर्चे ज़्यादा लिखे हुए हैं तो इसका कॉस्ट अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट क्या आएगा, इट विल रिड्यूस दी प्रॉफिट, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे, तो ऐड लिखेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स अमाउंटिंग रुपीज 118। बस अब हमें फाइनल क्या करना है, क्लोज करना है, तो जो आएगा क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 18,550। और देखिए हमें वही गिवन था, देखिए प्रॉफिट हमें यहाँ देखिए 18,550 वही आए, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमें करना है, यानी कि आपको बस देखना है कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं करें तो उसको लेस करो, सेम अगर ऐसे कौन से इनकम है जो कंसिडर नहीं करें कॉस्ट अकाउंट तो उसको ऐड बैक करो। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा इन द केस ऑफ ओवर ओवर एक्सपेंस, ओवर मीन्स जो ओवर रिकवरी हुई है, ठीक है, या जिनको जो अंडर वैल्यूड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको इस तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ SDR लिमिटेड अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंट्स वाज रुपीज 84,377 वाइल प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट वाज रुपीज 1,06,220 फॉर द सेम ईयर। प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टू रिकनसाइल बोथ द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट रुपीज 5,600 वेल रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट रुपीज 6,250। तो अब देखिए कंपेयर करना है, आप देखिए यहाँ पर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा कंसिडर किया हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा कॉस्ट से, तो क्या करेंगे जो डिफरेंस होगा उसको हम ऐड बैक करेंगे। सेकेंड पॉइंट, वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, यानी कि कोई ऐसा वर्क ओवरहेड, पता है क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अंडर एब्जॉर्ब यानी कि कम इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, कितना अमाउंट रुपीज 1,560, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कॉस्ट अकाउंट अगर कोई भी खर्चा कम किया होगा दैट मीन्स उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस टाइम, ठीक है, अंडर वैल्यूड है, तो इसी अमाउंट से क्या करेंगे हम प्रॉफिट जो कम कर देंगे, ठीक है, इसको लेस करेंगे। आगे लिखा वाइल ओवर वाइल ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अब इसका रिवर्स हो गया, ओवर रिकवरी हो दैट मीन्स प्रॉफिट डाउन होगा, तो हम प्रॉफिट इसमें अमाउंट 850 जो है ऐड बैक करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड, सॉरी क्रेडिट नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इंक्लूड कर देंगे 4,000 ऐड बैक कर देंगे। देन लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्या करेंगे, ये खर्चा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग बराबर हमें लेके आना है, तो उसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। देन बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ 375, जो कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं हुआ तो हम ऐड बैक करेंगे। देन इनकम टैक्स पेड किया हुआ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं तो उसको लेस करेंगे। देन लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंट्रीज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगेन लेस। देन स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन दिस अमाउंट विल बी एडिड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, वेरी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था ये चैप्टर आपको बहुत इजी है। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर टू को, अगेन विल प्रिपेयर पर्टिकुलर्स प्लस एंड देन माइनस।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए कितना है, अमाउंटिंग रुपीज 1,06,220। तो वन बाय वन देखिए ट्रीट करेंगे हम। डेप्रिसिएशन जो है हमने ज़्यादा लिखा हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो हम क्या करेंगे ये अमाउंट हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट डाउन हो गया तो हमें बढ़ाना है प्रॉफिट को, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट करेंगे डिफरेंस, दैट इज 6,250 लेस 5,600, जो डिफरेंस आएगा वो हम ऐड करेंगे 650। देन नेक्स्ट वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है बढ़ गया उस टाइम पे, तो लेस करेंगे हम वर्क ओवरहेड्स अमाउंटिंग रुपीज 1,560। एंड इसी के रिवर्स में देखिए ऑफिस ओवरहेड जो ओवरहेड हुए थे तो हम क्या करेंगे इसको ऐड बैक करेंगे प्लस ऑफिस ओवरहेड अमाउंटिंग रुपीज 850। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखना ये क्रेडिट अमाउंट है दैट मीन्स ये इनकम है, नेक्स्ट लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसको लेस करेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 2,850। नेक्स्ट आइटम बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड सो इसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे, देन लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंट्री इज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3,375, सो लेस डेप्रिसिएशन देन लास्ट वन इज स्टोर एडजस्टमेंट, ये इनकम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऐड करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसको, स्टोर एडजस्टमेंट दैट इज 237। बस हम टोटल कर देंगे, यह लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज 84,337। सॉरी 377। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, देखिए अभी जो हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन किए हमने सिर्फ सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी हम जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं,
क्या लिखा है, देखिए, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ छवि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको जो पिंडल गिवन है, ट्रेडिंग पिंडल, मटेरियल कंज्यूम, राइट वेजेस, वर्क एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, गुडविल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, राइट ऑफ वे, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको, सेल, फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये आपको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है ये पीएनएल गिवन है। अब लिखा हुआ है द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड दैट वर्क ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड एट 100% ऑन प्राइम कॉस्ट। अच्छा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैव बीन रिकवर्ड एट 25% एट फैक्ट्री कॉस्ट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इंडिकेटिंग नेट प्रॉफिट। अच्छा, देखिए हमें कॉस्ट, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट शीट का, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको प्रॉफिट गिवन था। अब आपको जो प्रॉफिट एक को दिया हुआ था 28,000, ये किसका गिवन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बट द प्रॉफिट फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट गिवन टू यू फर्स्ट ऑफ। तो दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप वुड बी वी नीड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन विल बी प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बोला था अगर किसी ने कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा तो पहले उसको उस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करें एंड देन कम टू दिस चैप्टर। चलिए, तो पहले हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट शीट तो देखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद ही होगा, आई होप आप सब बोले नहीं होंगे। फर्स्ट क्या था आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखिए आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना गिवन है, देखिए जो नीचे आपको जो एडजस्टमेंट गिवन है वो आपको क्या बोला हुआ है, देखिए एक तो वर्क ओवरहेड से रिलेटेड है प्लस एडमिशन ओवरहेड। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो खर्चे वो हुए नहीं हुए, वो हुए हैं लेकिन जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर से भी बता हुआ है। दैट मीन्स बाकी जो खर्चे वो रिमेनिंग सेम रहेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने गिवन है, 12,000, तो वही लिखेंगे यहाँ पर पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंटिंग रुपीज 12,000। नेक्स्ट डेड वेजेस, डेड वेजेस रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो एज इट इज रख देंगे इसको हम, एड डायरेक्ट वेजेस 4,000। बस आपको अच्छे से पता है कि समेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्विवेलेंट टू प्राइम कॉस्ट, तो यहां लिखेंगे प्राइम कॉस्ट टोटल आ गया आपका 16,000। नेक्स्ट आपका स्टेप पता ही है, पहले क्या था आपका, अब आपके आएंगे वो ओवरहेड्स दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट लेवल पे आएंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड आपको कहते हैं, देखिए आपको गिवन है वर्क ओवरहेड्स, आपको पता है कि वर्क कॉस्ट इक्विवेलेंट टू फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या बोला, देखिए वर्क ओवरहेड्स हैव बीन रिकवर्ड एट 100% ऑन प्राइम कॉस्ट, यानी जितने प्राइम कॉस्ट है उतने ही जो है वर्क ओवरहेड जो है इंकर्ड हुए हैं। ऐड करेंगे अब हम वर्क ओवरहेड्स, टोटल अमाउंट आ जाएगा दैट इज 16,000। ठीक है, बस अब आपका जो टोटल आ जाएगा दैट इज 32,000, ये क्या जाएगा आपका वर्क कॉस्ट। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या था आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके देखो क्या गिवन था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैव बीन रिकवर्ड एट 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट।
तो बस फैक्ट्री कॉस्ट आपने निकाल लिया, इसका हमें 1/4 निकालना है, दैट इज 25%। ऐड करेंगे हम, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच इज 1/4 ऑफ 32,000 और 1/4 ऑफ वर्क कॉस्ट, यहाँ पर आएगा 8,000। ये टोटल होगा आपका 40,000। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसके बाद देखिए, या मैंने आपको बताया था कॉस्ट शीट में भी, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं गिवन है तो पहले देख लेना इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। देखते हैं जरा कोई इन्फॉर्मेशन है। देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो गिवन नहीं है, बट आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे नहीं लगा, देखिए टोटल यूनिट सेल कितनी हुई है 350 एंड फिनिश स्टॉक कितने हैं 50, तो यानी कि प्रोड्यूस कितने हुए होंगे इन दिस पीरियड, दैट इज 400। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी होगी 400, ओपनिंग कुछ था नहीं, तो दैट मीन्स जो भी खर्चा हुआ हमारा 40,000 का, उसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 50, उसके अकॉर्डिंग जो खर्चा हुआ हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कैसे करेंगे इसी कैलकुलेशन, टोटल देखिए कितना खर्चा हुआ 40,000 हुआ ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 4,000 यूनिट्स एंड वी आर गोइंग टू डिडक्ट द क्लोजिंग फिनिश यूनिट्स दैट इज 50 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो लेस करेंगे यहाँ पर आएगा 5,000। दैट्स इट। अब आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, अमाउंटिंग रुपीज 35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्विवेलेंट टू टोटल कॉस्ट। तो बस सेल्स आपको गिवन है, जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी और फिर टोटल लिखेंगे नीचे सेल्स, ठीक है, सेल्स कितना गिवन आपको दैट इज 70,000, तो टोटल लिख देंगे 70,000, सो दैट मीन्स आपका प्रॉफिट कितना आ गया 35,000। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना है 35,000 एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना है 28,000। नाउ वी नीड टू सी डिफरेंस क्यों आया, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो बस अब बनाएंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि अभी हमने निकाला दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 35,000, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब आपको सिर्फ ये एक
जो अमाउंट गिवन है, जितने भी इनकम एक्सपेंसेस, उसमें आपको देखना है कितना कितना अमाउंट डिफरेंस आया। ठीक है, तो देखिए अब आप देखोगे मटेरियल कंज्यूम कितना लिखा है, 12,000, ये कहाँ पर लिखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कितना लिखा था, यही सेम अमाउंट लिखा था। सो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। डेट वेजेस अगेन हमने 4,000, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ऊपर 4,000 लिखा था, अगेन हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वर्क एक्सपेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना है, 12,000, एंड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए हमारा अमाउंट कितना दिखा था, यहाँ देखिए 16,000। दैट मीन्स वर्क ओवरहेड हमने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4,000 में ज़्यादा लिखा हुआ था, इसके वजह से हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट कम आया होगा, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे हम वर्क ओवरहेड अमाउंटिंग रुपीज 4,000। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हैं, 12,000, हमने कॉस्ट शीट में कितना लिखा, 8,000, वहाँ कितना था 12,000, यहाँ कितना है 8,000। अब रिवर्स हो जाएगा, अब लेस करेंगे, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देन। अब यहाँ पे देखिए डेबिट का लिखा हुआ है, गुडविल राइट ऑफ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हमने कंसिडर किया नहीं। सो दैट मीन्स अब हम इसको लेस करेंगे, गुडविल राइट ऑफ अमाउंटिंग रुपीज 4,000। नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स, अगेन दिस विल बी डिडक्टेड। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटिंग रुपीज 3,000। नेक्स्ट ना कम टू दी क्रेडिट साइड ऑफ दी पिंडल अकाउंट, सेम ही था। आप देखेंगे हम फिनिश गुड्स, देखिए यहाँ कहते हैं 3,500, वहाँ पर देखिए हमने कितना लिखा था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 5,000। देखिए इसमें ना बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं वैसे हर स्टूडेंट्स को बताऊँ कि जब भी अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत हो रही ना, जस्ट प्रिपेयर योर ट्रेडिंग अकाउंट रफली। देखिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो कैसे करते थे, क्या क्या आइटम लिखते थे, देखिए यहाँ पर कहता था आपका ओपनिंग, यहाँ था आपका क्लोजिंग, यहाँ लिखते थे परचेजेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ लिखते थे आप सेल्स, इसके बाद यहाँ पर आता था आपका ग्रोस प्रॉफिट और दोनों का टोटल। ठीक है, तो बस आप माइंड में ये रखिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ाता है एंड ओपनिंग स्टॉक जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट डिक्रीज करता है। ठीक है, आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक आपका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा भाई, ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर लिखा है, तो क्रेडिट साइड जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना आपका ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट बढ़ेगा। एंड अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखो, ये देखो ट्रीट कैसे कर रहे हैं, देखिए एक्सपेंसिस की तरह ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो ओपनिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट डन हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना लिखा हुआ है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 5,000, एंड एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना लिखा हुआ है 3,500, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने हमने जो है 1,500 हमने कॉस्ट अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ है, 1,500 क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा ग्रोस प्रॉफिट को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने ज़्यादा लिखा हुआ है 1,500, तो क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो यहाँ करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 1,500। देन नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे, इनकम है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 1,500, दैट्स इट, बस अब टोटल कर देंगे हम। ये आपका टोटल आ गया 28,000, दैट इज प्रॉफिट एज पर
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस इज द वे ऑफ डूइंग और प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5-4। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ओनली वन प्रॉफिट इज गिवन। ऊपर भी देखिए प्रॉफिट एक ही गिवन था हमें, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको प्रॉफिट गिवन है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग गिवन नहीं है। देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करते थे रिकंसिलेशन का, सबसे पहले क्या लिखते थे हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। बट अब आपको यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, दैट मीन्स अगेन वी नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पहले वो देखते हैं। तो हमें ये सारे एक्सपेंसेस गिवन हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, एज पर ऑल्सो एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर इन्फॉर्म दैट लैंड कॉस्टिंग 2 लाख वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 223,400। तो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना, 23,400 का डिफरेंस आएगा। तो वो उसको ये कहाँ पर कंसिडर किया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ऐड बैक करना पड़ेगा हमें। देन देर वॉज रुपीज 5,000 एज इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन इट वॉज कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसको ऐड बैक करेंगे। देन रुपीज 2,400 एज डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो ये भी अगेन ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी डोंट नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम सबसे पहले प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ से सोचेंगे, ठीक है, अब बस उसका डिफरेंस देखेंगे कि कितना कितना अमाउंट डिफरेंस आया, प्लस माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस वापस कर देगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट्स इट। सो लेट्स डू इट, क्वेश्चन नंबर 4। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रहेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट गिवन नहीं है, कॉस्ट शीट हमें बनाने की नीड नहीं है। तो अब हमें तो यही जो है ऑप्शन मिला, दैट इज हम अब इस बार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएंगे। तो देखिए कितना प्रॉफिट गिवन आपको, दैट इज 2,03,000। कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम लिखे हुए हैं एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने कम लिखे हुए हैं। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी खर्चा कम होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। बट हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बराबर में हमें प्रॉफिट लेके आना है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। वही सेम ट्रीटमेंट, कन्फ्यूजन नहीं होगी, वही सेम ट्रीटमेंट होगी। यानी कि जो खर्चे अंडर वैल्यूड होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लेस करेंगे, ठीक है। ओवर वैल्यूड होंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस ऐसे करना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अब हम, यस फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने कम लिखे हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हम लेस करेंगे यहाँ पर, लेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो डिफरेंस आएगा दैट इज 16,300, वो हम लेस करेंगे। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट हमने कम लिखा हुआ है, दैट मीन प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो जो डिफरेंस है दैट इज रुपीज 2,000, उससे प्रॉफिट कम आया होगा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,000। नेक्स्ट
डेप्रिसिएशन देखिए डिफरेंस कितना है, 3000, जो हमने ज़्यादा लिखा हुआ है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट मीन्स प्रॉफिट डाउन हो गया तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बाय रुपीज़ 3000। ऐड करेंगे हम डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या करता है, मैं डेबिट में लिखते हैं, दैट मीन्स ट्रीट करो उसको एज एन एक्सपेंस। तो देखिए 32,600 यहाँ पर है एंड 33,000, दैट मीन्स अगेन हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स इसका प्रॉफिट कम आया होगा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो डिफरेंस दैट इज 4,400 का, तो डिफरेंस हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड करें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस ज़्यादा लिखे हुए हैं तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस हमने कम लिखे हुए हैं तो हम माइनस करेंगे, नेक्स्ट नीचे तो देखिए बस हमें देखना है कि कोई इनकम है तो ऐड करेंगे, और चलो देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर रिवर्स होगा। देखिए जो प्रॉफिट हुआ लैंड पे ये तो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रीट हो गया होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं हुआ होगा, तो क्या करेंगे हमें प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड अमाउंटिंग रुपीज 23,400 लेस करेंगे, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं आओगी, तो हमें तो कॉस्ट प्रॉफिट लेके आना है, तो क्या करेंगे उसको लेस करेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 5,000 एंड द लास्ट वी हैव दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 2,100 ये भी लेस करेंगे, सॉरी 2,400 डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है बस, और टोटल कर देंगे आप, टोटल जाएगा दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1,60,700। ये क्या आएगा आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय मेसर्स डी के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट लेबर मशीन आवर्स मशीन आर रेट प्रोडक्शन 17,100 यूनिट्स यूनिट सोल्ड 16,000। आपको पता है ये फिगर कहाँ यूज होगी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स, देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, ऑफिस ओवरहेड दैट इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑल्सो प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट भी बनाने के बोल रहे हैं, ओके ओके, इफ फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5,000, 5,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 2,500 इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके तो देखिए फर्स्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर कॉस्ट शीट, देन वी विल प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट शीट तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
अच्छा सॉरी, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लगेंगे डायरेक्ट, माउंटिंग रुपीज़ 15,000, देन डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर दैट इज 9,000, बिकॉज एडिशन कुछ भी गिवन नहीं है फाइनेंशियल रिलेटेड से रिलेटेड, तो लिखेंगे डायरेक्ट लेबर अमाउंटिंग रुपीज़ 9,000, टोटल कर देंगे अब हम, आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, टोटल होगा आपका 24,000। नेक्स्ट होता है आपका वर्क ओवरहेड, तो वर्क ओवरहेड देखिए कितने हैं नीचे, तो देखिए जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है ये वाली, ये सारी आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऊपर वाली सारी आपकी कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। तो वर्क सॉरी ऑफिस सॉरी अब फैक्ट्री ओवरहेड देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क आवर कितना हुआ है मशीनर सॉरी 900, मशीनरी कितना है 5, दैट इज 4,500 हो जाएगा, ईजी है। तो ऐड करेंगे अब हम फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज 900 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 4,500। बस अब इसको भी टोटल करेंगे, ये आपके पास आ गया 28,500, दैट इज वर्क कॉस्ट। अब क्या देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको गिवन नहीं है आई थिंक, गिवन है सॉरी गिवन है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वर्क कॉस्ट कितना है यहाँ पर देखिए 28,500, तो उसका 20% लेंगे। ऑफिस ओवरहेड आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर 20% ऑफ 28,500, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 5,700, टोटल करेंगे अब हम, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 34,200। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गए। अब हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तो गिवन नहीं है, क्लोजिंग निकालेंगे हम, प्रोडक्शन टोटल कितना होगा 17,100, दैट मीन्स जो भी खर्चा हुआ वो 71,100 के अकॉर्डिंग हुआ, इसमें से क्लोजिंग जो कितना है दैट इज़ 1,100, जो डिफरेंस आएगा वो हम लेस करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पर जितने भी खर्चे हुए दैट इज़ 34,200 वो टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हुए दैट इज 17,100 एंड 1,100 में लेस करना है, सो विच इज इक्विवेलेंट टू 2,200 हम लेस करेंगे। तो ये टोटल आएगा आपका 32,000। क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम सेलिंग ओवरहेड पे आएंगे, देखिए सेलिंग ओवरहेड कितना है, सेलिंग ओवरहेड दैट इज 50 पैसा, कितनी सेल करी है 16,000, तो हाफ हो जाएगा दैट इज 8,000 सेलिंग ओवरहेड, ये टोटल लगा आपका, टोटल लगा आपका आ गया 40,000। ये क्या आगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब हम क्या ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट,
देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, सेल्स कैसे ना, सेल्स प्राइस पर कितनी है, 4 यूनिट के लिए सोल्ड करिए 16,000, दैट मीन्स 64,000 आपका सेल्स आ जाएगा। कैसे आया ये 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4, बैलेंस करेगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू 24,000। तो आपके पास आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ लेट्स प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टिक पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पर गिवन है हमने अभी निकाला प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी आया था हमारे पास 24,000। तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो निश्चय में टिकी हम इसे उससे रिलेटेड मतलब है, बाकी सब तो सेम ही है। क्या लिखा हुआ है, इफ फैक्ट्री जो एक्सपेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना है 5,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,000 इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज 5,700, दैट मीन्स ज़्यादा लिखा हुआ है, इससे क्या होगा प्रॉफिट कम हो गया तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे अब हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटिंग रुपीज 700। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड 5,000 इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो ऑफिस ओवरहेड हमने यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 5,000, सॉरी 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 मैंने अकाउंट गलत लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड हमने पहले कितने लिखे 4,500 सॉरी कम लिखे हुए थे, सो हमें तो ये लेस करना पड़ेगा, सॉरी ये लेस होगा दैट मीन्स 700 जो वो ऐड हो जाएगा आपका। ऑफिस ओवरहेड ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 है, यहाँ पे कितने हैं 8,000 कम लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 ठीक है, और क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 2,500, यहाँ पे कितनी है 2,200 कम लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट कम आया होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट कम आएगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। तो बस आपका ये आपका टोटल आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज 22,500। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दी फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ छवेली इंडस्ट्रीड। देखिए सेम वही क्वेश्चन जैसा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, सो दिस विल बी दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन आपको।
ये आपको जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है आपको एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डेट रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स गिवन आपको, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपको वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है, फिनिश गुड्स भी गिवन है। नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट, द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील्स दैट डेट मटेरियल कंजम्पशन वॉज रुपीज 56,000। अच्छा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, देन और फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन आप रिकवर हुए हैं 60% ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन आपको 80% ऑफ सोल्ड यूनिट सोल्ड। द नाउ वी नीड टू प्रिपेयर पी एंड एल बोथ एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड देन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा तो देखिए इस बार हमें तीन चीज़ निकालनी है, एक तो निकालना है हमें प्रॉफिट एज पर मतलब हमें ट्रेडिंग में पी एंड एल अकाउंट बनाना है, ठीक है, फिर हमें कॉस्ट शीट बनानी है और फिर उसके बाद हम बनाएंगे तो देखिए हमें तीन चीज़ बनाना है, हमें वी नीड टू प्रिपेयर दी पी एंड एल अकाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एज देन कॉस्ट शीट एंड देन फाइनल वी विल प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए आप पी एंड एल अकाउंट तो आप इजी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ एंड देन आई विल प्रिपेयर रिकंसिलिएशन, ठीक है। सो इसमें आपको जो फाइनल अकाउंट बनाना है दैट इज एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ पे होमवर्क है, ठीक है। तो मैं डेट कॉस्ट शीट से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए जो डेट मटेरियल जो कॉस्ट शीट में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है किस रेट गिवन है आपको, आपको गिवन एक तो डेट मटेरियल दैट इज 56,000 एंड डायरेक्ट लेबर आपको वही लेना पड़ेगा जो आपके ऊपर गिवन है दैट इज 50,000 गिवन है वो सेम लेना पड़ेगा, सॉरी 30,000। तो फिर आपका आ जाएगा ये प्राइम कॉस्ट एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड गिवन आपको 20% ऑन प्राइम कॉस्ट तो टोटल आ जाएगा आपके पास, देन एडमिशन ओवरहेड गिवन आपको 60% ऑफ प्रोडक्शन वो ले लेंगे, प्लस यहाँ पर देखना आप आपको यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस वो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट शीट। वैसे अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तो कभी आपसे पी एंड एल अकाउंट नहीं पूछेंगे, आपसे दो ही पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यू नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी यू नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी लेंथी रहता है, लेंथी बनाना कोई फायदा नहीं है, फाइनल पी एंड एल अकाउंट तो बचपन से बनाते आ रहे हो लाइक फ्रॉम दी 11th standard, तो आपसे वो नहीं पूछेंगे, ये बस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनाने कर देते हैं, टाइम वेस्ट होता है, सो इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट जो है कॉस्ट शीट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट मटेरियल अमाउंटिंग रुपीज, अच्छा हमें तो नीचे वाले लेना है दैट इज 56,000 पर कॉस्ट शीट लेना हमें, ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर वो आपको नीचे की गिवन नहीं है तो हमें ऊपर वाला अमाउंट लेना पड़ेगा दैट इज 30,000, ठीक है। इसका जो टोटल आ जाएगा आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट दैट इज 86,000, ठीक है। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड पे आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड देख लीजिए क्या बोला हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो बस ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ 86,000, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 17,200, ठीक है। अच्छा याद रखना इस बार आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वर्किंग प्रोग्रेस का, तो वो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गिवन है, कॉस्ट अकाउंटिंग गिवन नहीं है, तो हम वही अमाउंट लेंगे दैट इज 2,400, तो यहाँ पर लेस करेंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 2,400, ठीक है, सबको टोटल करेंगे, टोटल आपके पास आ जाएगा 1,08,000,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी वर्क कॉस्ट, सॉरी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है। अब आएंगे ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड्स, नीचे गिवन आपको 60% ऑफ प्रोडक्शन, 60% ऑफ प्रोडक्शन, तो 60% ऑफ प्रोडक्शन कितने हुई है देखिए, 60% ऑफ प्रोडक्शन देखिए सेल कितनी हुई है 12,000 यूनिट्स, और फिनिश गुड्स में कितना लिखा हुआ है 400, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 1200 400 वुड बी प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कैसा आया ये 12,400 का, अब हम लेंगे 60 पैसा गिवन आपको, विच कम्स टू बर्न रुपीज 7,440। टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 1,08,240 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर आपको क्या गिवन है आपको, और अच्छा सॉरी यहाँ पर आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी गिवन है, तो दैट मीन जितना भी खर्चा हुआ होगा वो आपका हुआ होगा एज पर 12,400, बट हमें 400 यूनिट से वो एक्सक्लूड करनी है, तो यहाँ पर लेस करेंगे अब हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कैसे करेंगे इसको, जितना भी खर्च हुआ दैट इज 1,08,240, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एज पर 12,400 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड वी आर कैंसलिंग आउट दी 400 यूनिट्स विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 3,492। आफ्टर डिडक्टिंग दिस वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 1,04,748 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। देन फाइनली वी विल ऐड वन मोर एक्सपेंस दैट इज सेलिंग ओवरहेड, वो आपको गिवन है आई थिंक नीचे गिवन था, दैट इज 80 पैसा ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट सोल्ड करी है दैट इज 12,000, सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ऐड करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड, दैट इज 12,000 यूनिट सोल्ड गई है 0.80 विच कम्स टू अबाउट रुपीज 9,600, इनको ऐड करेंगे सारे एक्सपेंसेस को, ये आ जाएगा आपका 1,14,348 दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, आपको सेल्स की अमाउंट क्यों है दैट इज 1,20,000, इससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स गिवन आपको 1,20,000, सो बैलेंसिंग फिगर वुड बी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज 5,642। Now let's prepare reconciliation statement. Particulars plus minus. तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने अभी भी निकाला,
दैट इज 5,652। ठीक है, अब हम वन बाय में सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स देखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल चेंज हुआ था, वहाँ पर कितना था 56, यहाँ पे कितना है 50। तो कॉस्ट अकाउंट हमने ज़्यादा लिखा हुआ है जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम ऐड बैक करेंगे डायरेक्ट मटेरियल 6,000 ऐड करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी सेम था, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे कितना है 60,000 एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऊपर कितने लिखे थे 17,200, हमने ज़्यादा लिखे थे जिससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम ऐड बैक करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,200। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहाँ कितने हैं 7,000 एंड वहाँ कितने थे आपके 440, अगेन ज़्यादा थे तो ऐड बैक करेंगे यहाँ पर अब हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 440। देन नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,600, यहाँ कितना था आपका 9,600 सेम है, सो नो ट्रीटमेंट। देन प्रीलिम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे क्योंकि हमारे कोच को हमने कंसिडर नहीं करे, सो माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज 400। नेक्स्ट अच्छा बैड डेट रहेगा आपका, बैड डेट रिटर्न ऑफ 800 वो भी लेस करेंगे हम। बैड डेट रिटर्न ऑफ 800। देन लीगल चार्जेस लेस करेंगे, देन डिविडेंड रिसीव्ड इनकम में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड करेंगे, देन आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने के बने 3,300, वहाँ पर हमने कितना निकाला था 3,492, दैट मीन्स 292 का डिफरेंस था, हमने यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है जिससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स 292। एंड देन लास्ट वर्किंग प्रोग्रेस, अच्छा तो हमने सेम ही लिखा था 2,400, यह सेम लिखा था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, सो बस क्लोज करेंगे अब हम। टोटल आ जाएगा आपके पास 12,900, दैट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो क्लास दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, that is the reconciliation statement. I hope you have understood very well.